बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किचन ब्लॉग्स विद हुमैरा नूरी की तरफ से आप सबको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की है। आज मैंने आपके लिए बनाया है गार्लिक चीज़ ऑमलेट। इसको बनाने के लिए हमें चंद चीज़ें चाहिए होंगी, जिसके अंदर तकरीबन 50 ग्राम जो है ये चीज़ है, इसे मैंने ग्रेट कर लिया था। इसके साथ 2 अंडे हैं, हरा धनिया है तकरीबन 1 टीस्पून, हरा प्याज तकरीबन 2 टीस्पून है, और इसके साथ सब्ज मिर्चें जो हैं वो तकरीबन 2 हैं। इन सबको आपने चॉप कर लेना है, और इसके साथ साथ आपने लेने हैं 1 से 2 जवे लहसुन के, तो आपने वो भी बारीक जो है वो काट लेना है। तो अब बारी आती है अंडे के अंदर किस किस चीज़ को हमने मिलाना है उसकी। तो सबसे पहले आपने लेना है लहसुन, जो मैंने आपको शुरू में बताया है। उसके साथ आप ले 1 से 2 पिंच काली मिर्च के, और हसबे जायका आपने लेना है नमक। तो इन सब को आपने अच्छे तरीके से फेंट लेना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसे फेंटेंगे ये उतना ही मज़े का बनेगा। तो अब आप कोई सा पैन लें, इसके अंदर आप तकरीबन 1 से 2 चम्मच ऑयल के डालें, और जो प्याज था हरा उसको आपने 30 सेकंड जो है वो थोड़ा सा सौते करना है। तो इसके साथ साथ आपने इसके अंदर डालनी है सब्ज मिर्चें, तो उनको भी आप 30 सेकंड ही दें। तो यानी इन दोनों के ऊपर आप 1 मिनट लगाएं धीमी आंच पे, और ये जो है इस तरीके की इसकी शक्ल जो है वो तैयार होगी। आप इसको ऑयल से अलहदा करें, फिर उसी ऑयल के अंदर आपने डालना है अंडा, जो मैंने आपको बताया था कि आपने गार्लिक डाल के फेंटना है। तो अब आप इसको लाइट आंच पे ऐसा सा एक इसकी साइड जो है वो पकाएं। साथ साथ आप इस तरीके से चम्मच से इसके किनारों को मोड़ते जाएं। तो जब आपको लगे कि ये थोड़ा सा पकने के करीब है तो अगला प्रोसेस करेंगे। फिलहाल हम इसके किनारों को इस तरीके से मोड़ते हैं। इसकी तकरीबन एक साइड जो है वो पक चुकी है, तो हमने अब करना इस पे ये प्रोसेस है। जो हरा प्याज और सब्ज मिर्चें जो तीन सोते की थी वो उसकी एक साइड पे इस तरीके से फैलानी है, और इसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया था हरा धनिया वो भी इसकी इसी साइड पे फैला देना है। उसके बाद आपने जो चीज़ लिया था ग्रेट किया हुआ वो इसकी दूसरी साइड पे आप फैलाएं। जितनी मैंने आपको मकदार बताई है आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी। तो इन दोनों चीज़ों को थोड़ा सा मज़ीद टाइम दें। इसकी आंच जो है आपने धीमी रखनी है, तकरीबन 1 मिनट के बाद इसकी साइड पलटें कुछ इस तरह, और इसको मज़ीद थोड़ी देर पकने दें। और जब आपको लगे कि इस तरीके से लाइट ब्राउन जो है ये हो रहा है, तो इसे डिश आउट करें। तो ये हमारा बहुत ही मज़े का गार्लिक चीज़ ऑमलेट तैयार है। इसे आप नाश्ते में बनाएं या किसी भी टाइम। तो इसको टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यमी, बहुत ही मज़े का। ये देखें इसमें से चीज़ जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा, तो जितना ये देखने में मज़े का है यकीनन आपको जब आप इसे बनाएंगे तो इससे ज़्यादा मज़े का खाने में लगेगा। तो अब आप इसको बनाएं, मुझे दें इजाज़त। अपना रखें बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।